stories, I'm a fool for your love. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए सब लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे, बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज मैं एक और चौरंगी पर खड़ा हूँ जिधर कल इफ्तिदा करके गए हैं मुराद अली शाह साहब, जो कि कल इस चौरंगी का इफ्तिदा हुआ है और वर्ल्ड बैंक के कर्जे से जो है ये चौरंगी को बनाया गया। और जहाँ जहाँ चौरंगीज बनाई जा रही हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। सखी हसन चौरंगी हो गई, के डी ए चौरंगी हो गई, और भी बहुत सारी 5-स्टार चौरंगीज हो गई, बहुत सारी चौरंगियों को बनाया जा रहा है और आवाम की सहूलत के लिए काम हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड भी पूरा बन चुका है और रोड को भी खूबसूरत बना दिया गया है, और उस साइड पर भी जो है वो चौरंगी को खूबसूरत करा गया। और ये पीछे से मेरे अगर आप लोगों को कैमरामैन दिखाए कि पीछे जो है वो पूरा खूबसूरती आप लोग एक अलग देख सकते हैं कि चौरंगी को डिफरेंट वे में जो है वो बनाया गया है। और कराची की आवाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है ये, और यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आके मुझे, और मैं आगे चल के और आप लोगों को इस चौरंगी का पूरा विज़िट कराता हूँ। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आज मैं मौजूद हूँ सऊदाबाद चौरंगी, ये जो बनाई गई है कल इसका इफ्तिदा किया गया है, तो वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो मैं आगे चल के और आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आए मेरे साथ। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ डस्टबिन्स यहाँ पर लगाई गई हैं। डस्टबिन जो है वो इसमें लिखा भी गया होता है यूज़ भी, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने कि अभी कल ही चौरंगी का इफ्तिदा कराया गया है, लेकिन यहाँ पर कचरा, यहाँ पर ये लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं। हमारी आवाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी जब काम करा गया है खूबसूरती के साथ और खूबसूरत एक चौरंगी बनाई गई है सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो डस्टबिन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हमारे जो कराची का एक खेल है, लाल खून कर देना दीवारों को, लाल कर देना दीवारें, खून के आंसू रो रही होती हैं, तो वो भी ना करें। और हम आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को और सारी चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेंचेस का भी ख़ास इंतज़ाम करा गया है, पूरी बेंचेस लगाई गई हैं, और जो पब्लिक रात में अगर आए, और रात में इधर लाइटिंग का भी ख़ास इंतज़ाम है। और आप लोग मेरे ऊपर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भी बहुत खूबसूरत लगाई गई हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के ऊपर भी काम करा गया है कि साइडों पर ग्रीनरी लगाई गई हैं, मतलब कि शजरकारी करी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं जो कि कुछ दिनों में बड़े होंगे और हमें साया देंगे। आप लोग पीछे देख सकते हैं जो बड़े हो चुके हैं वो साया मिल रहा है उनसे, और एक ठंडक की हवाएँ, ठंडी हवाएँ जब गर्मी होती है बेंता, तो एक ठंडक का रिलीफ मिलता है जब हम लोग इसके नीचे बैठते हैं दरख्त के नीचे। और आप लोग देख सकते हैं कि रात में जब आप लोगों के अगर बच्चों को साथ लेके आए तो यहाँ पर स्टिल बैठ के आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। और इस चौरंगी को बनाने का मकसद ही यही है कि जो सऊदाबाद के आवाम है उनको थोड़ा अच्छा रिलीफ मिल सके और उनको पता चल सके कि कराची में काम भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। और ये आप लोग के सामने आज मैं पूरी आप लोगों को चौरंगी दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता चलूँ, जो लोग हमारी पब्लिक है जो अपना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रही होती है यहाँ पर रोड पर खड़े हुए और उसको साया दरकार होता है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि वो भी बहुत अच्छा खूबसूरती वहाँ पर भी खूबसूरती दिखाई गई बनाई गई है, वो भी खूबसूरत बेंचेस लगा के आवाम जो है वो अपना बसेस का बस स्टॉप बनाया गया है और आराम से वेट कर सके अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो मैं आगे और लेके चलता हूँ आप लोगों को और विज़िट कराता हूँ इस चौरंगी का। तो मैं तो सबसे पहले कीप इट अप कहूँगा अपनी सिंध गवर्नमेंट को कि उसने ये इतना अच्छा काम करा है और इस चौरंगी को एक अलग मुनफरिद अंदाज में इसको बना के सामने आवाम के पेश करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आगे चलते हैं और आगे चल के देख लोग देख सकते हैं ग्रीनरी के ऊपर कितना काम करा गया। मेरा तो ज़्यादातर पॉइंट ही रहता है कि ग्रीनरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करा जाए, क्योंकि कराची में जितने भी शजरकारी मुहिम चलाई जाती हैं वो सिर्फ एक दिन की शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, उसके बाद जो है उसकी टेक केयर करना नहीं करते। एक दफ़ा पौधे लगा दिए उसको भूल गए, वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा जो है कराची के जितने भी सड़कों पर पौधे लगे हुए होते हैं वो जो है वो बड़ इसी नहीं ले नहीं पाते क्योंकि हमारी आवाम उसकी टेक केयर नहीं करती, हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो टेक केयर नहीं कर पाता उसकी। और इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि ये पौधे जो है तो काट दिए जाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है कि इलेक्ट्रिक वाली टीमें आके काट देती हैं, उसका फिर खुमियाजा यही होता है कि हमें पॉल्यूशन और एयर जो है वो हमारी बहुत ख़तरनाक हमें मिलती है और हमें साफ एयर नहीं मिल पाती। तो आए आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को सारी चीज़ें, मैं वो चीज़ जो लेके चल रहा था आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर वेटिंग एरिया जो बस का बस स्टॉप है
वो भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा बना दिया है। और ये देख सकते हैं ये बस स्टॉप है सऊदाबाद का, और मेरे पीछे आप लोग सामने देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया है कि आवाम जो है वो आराम से बैठ के अपनी बस का जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करना चाहे तो वो आराम से यहाँ पर वेट कर सकती है। तो एक अच्छा मुनफरिद अंदाज़ में ये चौरंगी को बनाया गया है, और इसी तरह जो है वो बाकी चौरंगी के ऊपर भी काम हो रहा है कराची में, और जितनी भी चौरंगीज हैं वो बनाई जा रही हैं। तो आप लोग देख सक अजय जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड जो है वो सऊदाबाद से मलीर की तरफ रोड जाता है, तो ये पूरा ऑनवर्ड जो जा रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो है वो खोखरा पार्क मलीर की साइड पर रोड जा रहा है। ये जो वो बेंचेस हैं जहाँ पर आवाम बैठ के अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर सकती है जैसे सुकून से बैठे, और इसके अलावा जो है मैं भी थोड़ा सा वेट करूँगा, कब से चलता हुआ यहाँ तक कॉर्नर तक आया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो है वो भी खूबसूरती एक अलग से नज़र आ रही है, और रोड को भी बनाया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे काम कराची में हो रहे हैं, जहाँ कटिंग से लेके आपका जहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है वो भी काम हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो नालों को बनाने का भी काम चल रहा है, नाले कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। महमूदाबाद नाला हो गया, जीरो पॉइंट का नाला हो गया, जो मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहती है उनकी अपडेट्स आप। तो आज जो ये चौरंगी कंप्लीट हुई तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाया जाए इस कंप्लीट होने के बाद कि कराची में काम भी हो रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। और अगर थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी सही नहीं हो तो मेरा एक मसला हुआ है माइक के साथ, तो उसको दरगुजर करिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ियाम अनिल्ला, अल्लाह हाफिज़।